मैं भी हैरत में हूं, उनसे कल 2000 करोड़ दे दो तो कहते 4000 करोड़ ले लो, हम कहते 4000 दे दो, बोले 6000 ले लो। पहला नेता मैंने ऐसा देखा है। हम पहले मांगने में संकोच करते थे, लेकिन गडकरी जी देने में कोई संकोच ही नहीं करते। और सचमुच में नेता हो तो ऐसा हो, अगर कोई रोए कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो काहे को कुर्सी पे बैठे हो, हटा जाओ, पैसे ही नहीं है, तो हर कोई कह देगा। गडकरी जी ऐसे नेता है जो कहते हैं कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, ले आओ। और उसी का एक विकास का स्वरूप आज हमें दिख रहा है। उज्जैन चारों तरफ से शानदार 4 लेन सड़कों से जुड़ा है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से बदल गया है। गडकरी जी तो कहीं केबल कार चला रहे हैं, कहीं पानी में बस चला रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक ऐसी बस हवा में चला दो कि रेलवे स्टेशन उतरे लोग, बस में बैठें और सड़क के बजाय हवा से ही महाकाल मंदिर पे आ जाएं। आपको मजाक लग रहा होगा, यह असंभव नहीं है, यह संभव है। गडकरी जी इसको संभव कर रहे हैं। उत्तराखंड में, हिमाचल में अनेकों प्रकार के ऐसे केबल कार, पता नहीं क्या क्या, एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ तक बैठो और चले जाओ, सड़कों पर घंटों लगते थे। और इसलिए महाकाल महाराज की नगरी से ये सौगात का प्रारंभ अगर आप कर दें तो ताली तो बजा दो रे, आनंद आए कुछ। अब गडकरी जी सोचेंगे, जुगाड़ करेंगे और रास्ता निकाल लेंगे, और केवल मंदिर काय को, फिर आप शहर को भी जोड़ दें। और फिर मैं ये कहूंगा कि कुछ शहरों में और मध्य प्रदेश में भी ये प्रयोग हो जाए। गडकरी जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आवागमन की सुविधा को और बढ़ा देना, सुविधापूर्ण बना देना, और सड़क की भीड़ को भी तकलीफ, सड़क पर भी तकलीफ ना हो और भीड़ कम हो जाए, उसका अद्भुत प्रयोग गडकरी जी कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके सोचिए और फैसला कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज महाकाल बाबा की नगरी में नया चमत्कार प्रारंभ होगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। एक और निवेदन मैं गडकरी जी से कर रहा हूँ। देखिए नर्मदा जी, वैसे छिपरा जी भी बहुत पवित्र नदी, हम पूजा करते हैं। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। अमरकंटक से निकल के अलराजपुर तक, गुजरात की सीमा तक, दोनों तरफ नर्मदा जी के, हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है नर्मदा प्रगति पथ का, नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का। और ये केवल सड़क नहीं होगी, इसके दोनों तरफ पूरब से लेकर पश्चिम तक हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करेंगे, नई टाउनशिप बनाएंगे। ये मध्य प्रदेश की ग्रोथ का इंजन होगा और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए नर्मदा प्रगति पथ अगर आप स्वीकृत कर देंगे तो मध्य प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। ये मैं निवेदन आपसे करता हूँ। वन टाइम इम्प्रूवमेंट योजना के अंतर्गत प्रदेश के 56 शहरों में सड़कों के सुधार के लिए 456 करोड़ रुपया, ये तो आपके लिए ऊँट के मुँह में जीरा भी नहीं है, कृपया करके वो भी आप स्वीकृत कर दीजिए। अजब पैसा कैसे और कहाँ से आए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, धन कैसे लाएं, ये गुर सीखना हो तो नितिन गडकरी जी से सीखना पड़ेगा। वो जमाने याद करो 2003 तक, जो बच्चे उसके बाद पैदा हुए उन्हें तो तब की सड़कें देखी नहीं है। अगर अजाते रतलाम नीमच से तो इंदौर पहुंचने में क्या हालत हो जाती थी, गाड़ी खाए हिच कोले हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले, आदमी के अस्थि पंजर भी हिल जाते थे और गाड़ियों का भी कबाड़ा हो जाता था। यहाँ चारों तरफ शानदार सड़कों से जुड़ रहा है मध्य प्रदेश। प्रदेश की सरकार ने भी 3 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है, 3 लाख किलोमीटर। उन्होंने उज्जैन के अंदर फ्लाईओवर मांगा है, पर अभी जैसे शिवराज जी ने बात की, वो हवा में चलने वाली बस जो है ये कोई असंभव नहीं है। अभी मोदी जी ने मेरे डिपार्टमेंट में
रोपवे, केबल कार, फनाकुलर रेलवे सबकी जिम्मेदारी दी है। और अभी हम लोग उत्तराखंड में करीब 16 रोपवे बना रहे हैं, हिमाचल में 15 बना रहे हैं। और इसलिए फ्लाईओवर के बजाय पूरे उज्जैन शहर को, मंदिर को, यहाँ का जो बस पोर्ट है, वैसे शिवराज्य में एयरपोर्ट जैसे बस पोर्ट भी बनाता हूँ और पार्किंग प्लाजा भी बनाता हूँ, हिमाचल में काफ़ी बना रहा हूँ, तो आपके पास बस पोर्ट के भी प्रपोजल होंगे, जगह होगी, तो मैं बस पोर्ट एयरपोर्ट जैसे बनाने के लिए तैयार हूँ। और जो गाड़ियाँ खड़ी होती है उसके लिए मल्टी मॉडल पार्किंग की व्यवस्था भी करने के लिए तैयार हूँ। तो उज्जैन में तीर्थाटन करने के लिए हमारे पूरे देश से लोग आते हैं, जरूर एक प्रस्ताव भेजिए, मैं कर दूंगा। जहाँ तक अंदर में फ्लाईओवर बनाने के बजाय जो लाइट रेल ट्रांसपोर्ट है, जिसको हम लोग 40-50 लोग बैठकर हवा में बस चलेगी और उसको पूरे शहर में घुमा देंगे, तो वो मंदिर में भी चली जाएगी और नीचे के रोड की ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो वो प्रपोजल आप मुझे आपके टूरिज्म या PWD मिनिस्ट्री से, गोपाल जी के तरफ से भेज दीजिए, मैं निश्चित रूप से उज्जैन में आपको ये करके दूंगा, इसका मैं वचन देता हूँ। और उससे उज्जैन से गरोट, जो ग्रीनफील्ड हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, उसको उज्जैन से कनेक्टिविटी मिल रही है। हमने दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाने का तय किया है। अभी हमने दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर केवल 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, ऐसे रोड हम बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में कम हम 10-12 हज़ार करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे का काम कर रहे हैं। मैं बीच में हाईवे देखने के लिए आया था और मेरी गाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से दौड़ाकर मैंने हाईवे को टेस्ट किया था। बहुत अच्छा हाईवे हुआ है। और ये हाईवे जो है, ये इसको उज्जैन से मिलने के बाद उज्जैन से मुंबई ये साधारण 7-8 घंटे में हो जाएगा, और उज्जैन से दिल्ली जो है वो 6 घंटे में हो जाएगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसके कारण उज्जैन के विकास के लिए काफ़ी बड़े प्रमाण में इंडस्ट्री और बाकी बातों को प्रोत्साहन मिलेगा। उज्जैन से झालावाड़ रोड जो है उसके बारे में मांग की है, और इसलिए मैं उज्जैन से ये झालावाड़ रोड को उज्जैन से 50 किलोमीटर 4 लेन कर दूंगा, ऐसा जाहिर कर देता हूं, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाद में जावरा और उज्जैन पर स्टेट हाईवे है, वहाँ एक BOT टोल है, वो जो पुरानी दिक्कतें हैं उसमें जो कुछ लायबिलिटी है वो एक बार मध्य प्रदेश की सरकार सेटल करने की जिम्मेदारी ले ले, उसको टर्मिनेट करके मुझे दे दीजिए, मैं पूरा अच्छा रोड बनाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक देवास उज्जैन का 4 लेन जो है वो शहर के अंदर का जो 4 लेन करना है वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मेरी कंडीशन है कि शहर के अंदर जो लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, जो घर एक्वायर करने को झंझट का काम होता है, वो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप उतना कर दीजिए, बाकी ब्रिज और जो कुछ 4 लेन में करना है वो पूरा खर्चा मैं करने के लिए तैयार हूँ। शिवराज जी ने जो ROB की और RUV की बात की है, अभी हमें CRF में 1600 करोड़ ज़्यादा मिले हैं और करीब हम 10,000 करोड़ रुपए के ROB बनाने वाले हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो 71 ROB आपने मांगे होंगे उसकी कीमत शायद, मुझे पता नहीं, 3-4 हज़ार करोड़ होगी, पर ये पूरे ROB के प्रस्ताव तुरंत भेज दीजिए, मंजूर करके इसके भी काम का हम शुभारंभ कर देंगे, ये वचन आपको देता हूँ। ये नसरुल्लागंज सुदेलपुर, इसकी बात आपने की है, और नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रही है,
नर्मदा एक्सप्रेसवे के ऊपर आप बहुत दिनों से इसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने चंबल का हाईवे जो अटल प्रगति पथ है उसको तो मंजूर कर दिया है, पर ये नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे पर एक बार आप दिल्ली आ जाइए, निश्चित रूप से इसका अध्ययन करके ये पूरे रोड को एक्सिस कंट्रोल करके एक अच्छा हाईवे बनाने के बारे में हम मध्य प्रदेश को पूरा सहयोग करेंगे, ये भी विश्वास आपको देता हूँ। मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि ये इस रोड के आजू बाजू में अगर कोई सरकारी ज़मीन होगी तो आप अगर वो देंगे तो हम लोग 2,00,000 करोड़ रुपए खर्चा करके लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, और विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में सब्जियां बहुत होती है, और अभी IQF नाम की टेक्नोलॉजी आई है जिसमें साल भर सब्जी ताजगी रहती है, उसका एक्सपोर्ट होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस करोड़ के आजू बाजू में अगर मध्य प्रदेश की सरकार अगर ज़मीन देने के लिए तैयार है तो यहाँ हम लोग निश्चित रूप से प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और फूड ग्रेन के गोडाउन, लॉजिस्टिक पार्क यहाँ के प्रगति और विकास के लिए बनाने के लिए तैयार है। अगर आपको इसमें अगर कोई उज्जैन के आसपास मिलती है तो ज़रूर हम इस काम को करेंगे, ये भी विश्वास मैं आपको देता हूँ। हम इंदौर से हैदराबाद के लिए नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, इसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपये है, और अगले बार जब मैं इंदौर आऊँगा तो इंदौर से हैदराबाद हाईवे का हम लोग भूमि पूजन करेंगे, जो मध्य प्रदेश से खांडवा बरहानपुर होकर जलगांव से होकर नांदेड़ की तरफ जाकर डायरेक्ट हैदराबाद जाएगा, और ये महाराष्ट्र और तेलंगाना से जाएगा, और ये करीब 15,000 करोड़ का 768 किलोमीटर रोड है। इंदौर के भंवर कुआं से तेजाजी नगर यहाँ से शुरुआत होगा, तेजाजी नगर से खरगोन और बाद में बलवारा से खंडवा जिले के धनगांव तक, धनगांव से खंडवा बोरगांव तक, बोरगांव से बरहानपुर तक, और इच्छापुर होकर जलगांव के मुक्ताई नगर तक जाएगा, और ये भी हाईवे बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की लगातार प्रगति हो रही है, और मध्य प्रदेश में हम लोग 3 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, इसमें से 25,000 करोड़ की लागत से यह हाईवे बन रहे, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है जो 1,00,000 करोड़ का है, और जिसमें मध्य प्रदेश में हम करीब 11,000-12,000 करोड़ रुपए की लागत से 245 किलोमीटर मार्ग बना रहे हैं, और 70% काम पूरा हुआ है। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में मध्य प्रदेश में 65 बड़े ब्रिज बन रहे हैं, 13 हो गए हैं और 12 ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू है। एक्सप्रेसवे पर मध्य प्रदेश में 150 छोटे पुल हैं, और यह मध्य प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन होगा। इसके बाद जो अटल प्रोग्रेस हाईवे है जिसके बारे में आपने विशेष रूप से आग्रह किया है, वो करीब 10,000 करोड़ का 413 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, और मैं मानता हूँ कि अगली बार मध्य प्रदेश में इसका भूमि पूजन करने के लिए मैं आऊँगा, और निश्चित रूप से इसके भी कार्य की शुरुआत करेंगे। बीच में शिवराज जी ने मुझे कहा था कि लैंड एक्विजिशन हम करके देंगे, पर बाद में कुछ आपको दिक्कत आई तो मैंने कहा 300-400 करोड़ रुपए है हम लगा देंगे, लैंड एक्विजिशन कराएंगे और उसकी शुरुआत करेंगे, इसका मैं उनको विश्वास देता हूँ। ये इटावा से शोपुर, भीड़ मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेगा, और ये बनने से इटावा से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा, और वही कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जोड़कर निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मेरा विश्वास है कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा, और इस एक्सप्रेस वे पर लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए स्पेशल प्रोसेसिंग सेंटर्स, स्मार्ट सिटीज़, एजुकेशन सेंटर्स, रिसॉर्ट्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स, ये सब प्रस्तावित है। मुझे बहुत खुशी है कि यह हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र में जा रहा है, जिसके कारण निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए इसका बहुत उपयोग होगा।